हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब लेट में। आज की हमारी वीडियो होने वाली है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएट हॉस्पिटल उधमपुर की तरफ से यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऊपर बात करें तो इसमें एडवर्टाइज नोटिफिकेशन जो रहेगा, इसमें प्रोफेसर की इसमें जॉब रहने वाली है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में। इसमें मेन बात करें तो इसमें एडवर्टाइज नोटिस नंबर इसमें 2024 में से जॉब रहेंगी। इसमें मेन बात करें तो इसमें डिपार्टमेंट इसमें अलग अलग रहेंगे और पोस्ट जो होगी प्रोफेसर की इसमें रहने वाली है। डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर कम्युनिटी मेडिसिन का इसमें डिपार्टमेंट रहेगा, उसमें प्रोफेसर की जॉब रहेगी। और फार्माकोलॉजी का डिपार्टमेंट होगा, उसमें भी प्रोफेसर की जॉब होगी। और जनरल सर्जरी के डिपार्टमेंट में भी इसमें प्रोफेसर की जॉब इसमें लगेगी। और बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी प्रोफेसर की जॉब होगी। और माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें भी प्रोफेसर की इसमें भी जॉब रहेगी। इसमें जॉब रहने वाले 2024 में जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, तो यहाँ यूटी इसमें डोमिसल आपका लगेगा जम्मू एंड कश्मीर का। तो यहाँ पर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट यहाँ की बात करें तो मे भी यहाँ पर कमिटेड गवर्नमेंट आर्डर इसमें निकाला गया है। इसमें और जॉब रहेगी इस बात करें तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब रहेगी। इसमें अप्लाई की बात करें तो यहाँ पर द कैंडिडेट एविडेंस नोटिफिकेशन जो होगा इनक्लोज्ड अटैच ट्रू कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट के साथ, आपने जो आपके रहेंगे क्वालिफिकेशन वो अपने अपने फॉर्म के साथ अटैच रखनी है। शुड वी रीच आउट द प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज उधमपुर में आपने सबमिट करवाना पड़ेगा बिफोर 6/11/2024। मानो कि 6 नवंबर 2024 से पहले पहले आप इसमें जॉब ले सकते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई चाहते हैं तो इसमें ऑफलाइन फॉर्म रहेगा, आपका इंटरव्यू रहेगा उसमें। इसमें MBBS डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन में मांगी गई है। और MC NMC स्टेट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसमें रहेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट जो रहेगा आपके पास। MBBS क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास प्रोफेशनल पब्लिक्स जो आपका नेशनल जो प्रेजिडेंट प्रिस्क्राइब्स और जो भी आपका इसमें रहेगा प्रोसेस, अगर आप गोल्ड मेडल हो और फर्स्ट हैं वो ऑफ द MBBS हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसमें सारा नोटिस इसमें दिया गया है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन रहेंगी वो अपने साथ रहेंगी। और यहाँ पर मेन बात करें तो एनी अदर डॉक्यूमेंट जो होंगे आपके कमिटेड ड्यूरिंग प्रोसेस रिक्रूटमेंट के, तो आपके ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ टेस्टेड आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल लग से होंगे तो बाकी डॉक्यूमेंट जो होंगे आपके पास सेल्फ टेस्टेड आपके पास होने चाहिए। तो इसके एप्लीकेशन का ड्राफ्ट भी यहाँ पर रहेगा। एप्लीकेशन के ड्राफ्ट के ऊपर बात करें तो 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन ड्राफ्ट इसमें रहेगा। जो आपने फेवर ऑफ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज उधमपुर में जो करना है पेवल इन उधमपुर में, तो और भी इसमें काफ़ी सारे मेन मेन पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं, इसमें दिए गए हैं, आप उसमें रीड कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका डिटेल आप खुद भी रीड कर लीजिए, आपके मन में डाउट होगा तो वो आप भी क्लियर कर सकते हैं। नीचे बात करें तो यहाँ पर इसका फॉर्म जो होगा इस तरह से रहने वाला है, ऑफलाइन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर का। इसमें सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट, इसमें पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे वो आपने फिलअप करनी है। वेदर रिटायर्ड नॉन PSC का यहाँ पर फिलअप करना है आपने। इन ब्लॉक लेटर इन ओनली आप इसमें फिलअप करेंगे तो इसे याद आपका फ़ोटो लगेगा, डेट रहेगी इसमें, द पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर आपका नाम रहेगा, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करें हैं, डिपार्टमेंट आपने यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना नाम रहेगा, फादर नेम रहेगा, परमानेंट एड्रेस रहेगा, तहसील आपकी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, यहाँ पर प्रेजेंट पोस्ट एड्रेस रहेगा, टेलीफोन नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर, ड्राफ्ट नंबर रहेगा इसमें, डेट रहेगी और ब्रांच रहेगी आपकी। इसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी इसमें, नॉन ऑफ द पब्लिकेशन आप रहेगा, डिटेल ऑफ एकेडमिकल आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, इन वर्ड में आपने लिखनी भी पड़ेगी। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपके साथ रहेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपने फिलअप करनी पड़ेगी। और इसी तरह से सारा इसमें रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो भी आपने इसमें लिखना पड़ेगा, फ्रॉम टू कब से कब तक, डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच की बात करें तो वो भी आपके सामने जो डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे
वो आपने फिलअप करने पड़ेंगे और साथ में अटैच भी करने पड़ेंगे। इसमें आप सिग्नेचर आप कैंडिडेट इसमें आपने करना पड़ेगा। ये थी हमारी मेन अपडेट। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करते हैं। अगर हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जब भी कोई जॉब के रिलेटेड बड़ी अपडेट आए आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।